जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग खास महत्व माना जाता है। लौंग जहां एक तरफ हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि फायदेमंद होता है, वहीं अगर लौंग की उपाय किया जाए तो ये धन दौलत की भी कमी को शांत कर देता है। कहने का मतलब है, अगर आपके घर में धन दौलत की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप यहाँ पर लौंग और कपूर का उपाय करके अपने घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करा सकते हैं। यानी कि आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप पैसा संभाल नहीं पाओगे। लौंग ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान रहती है, क्योंकि इसके माध्यम से किए गए कुछ उपाय और टोटके जो हमारी समस्याएं, जो हमारी पैसों की समस्याएं समाप्त कर देती है। लौंग का प्रयोग हम लोग पूजा पाठ में करते हैं और साथ ही साथ तंत्र और मंत्र के क्रियाओं में भी किया जाता है। अक्सर जब हम लोग यहाँ पर लौंग और कपूर का प्रयोग करते हैं तो नवरात्रि के समय करते हैं, माता दुर्गा का पूजा करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर लौंग और कपूर का उपाय बताऊँगा। अगर आप यह वीडियो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इस उपाय से। तो चलिए मैं आपको एक एक उपाय यहाँ पर बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग उपाय करिए। देखिए, अगर आपके घर में बुरी नज़र है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में हावी है, आपको कैसे पता करना है? देखिए, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका बना हुआ कार्य बिगड़ जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में बुरी शक्तियाँ हैं और नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में हावी है। तो आपको कैसे इसे बाहर निकालना है, तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, यह उपाय आप शनिवार या फिर रविवार के दिन करेंगे। कब? संध्या के समय। आपको 5 बजे कम से कम शाम को आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है? 5 लौंग लेना है, तो आप 5 लौंग ले लीजिए। जो 5 लौंग लेंगे वह खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको 3 कपूर लेना है, तो आप 3 टुकड़ा कपूर ले लीजिए। और साथ ही साथ आपको 3 इलायची लेना है, तो आप 3 हरी इलायची ले लीजिए। क्या क्या लेना है? 5 लौंग, 3 कपूर, 3 इलायची। तो आपको यहाँ पर तीनों सामान ले करके तीनों को जला देना है, तो आप यहाँ पर जला देंगे। जब ये अच्छी तरह से जलने लगे तो आप इसका क्या करेंगे, जो इसका धुआं होता है इसे आप अपने पूरे घर में घुमा देंगे। जब आप इसे पूरे घर में घुमाते हैं तो इसकी राख जो बचती है, जो यहाँ पर आपने कपूर, इलायची और लौंग को जलाया था, इसकी जो राख बचती है, इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप घर में पहले हिलते हैं, जो मुख्य द्वार होता है, आप वहीं पर इसको, इसका राख रख देंगे। अगर आप इसका राख नहीं रख पा रहे हैं तो आप क्या करिए, उस राख में थोड़ा सा आपको जल मिलाना है, गंगा जल, ध्यान रखना, गंगा जल मिलाना है। उसके बाद उसका टीका आपको अपने मुख्य द्वार पर लगा देना है। देखिए, अगर आप इसका टीका यहाँ पर लगाते हैं तो आपके घर में जो भी बुरी शक्तियाँ होगी, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होगी, सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी। आपके घर में देखेंगे जो काम बनता हुआ बिगड़ जाता होगा, वह काम भी बनना शुरू हो जाएगा। आप यह उपाय करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर इसका लाभ देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अब आपको हम दूसरा उपाय बताते हैं। दूसरा उपाय आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप उपाय करिएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु का अशुभ फल है, यानी कि देखिए, बहुत से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े जो पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा माहौल है तो आप एक बार यह उपाय ज़रूर आजमाइएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए। देखिए, आपका कोई भी कार्य है, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, उसमें बाधा आ जाती है, तो आपको शनिवार के दिन, कौन से शनिवार के दिन, आपको लौंग का दान करना है। किसको? किसी भी गरीब को आपको लौंग का दान करना है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, अगर आप शनिवार के दिन लौंग का दान किसी भी करते हैं तो आपके ऊपर जो भी राहु केतु का दुष्प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आप शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर लौंग को समर्पित कर सकते हैं। आप जब शंकर जी के ऊपर लौंग का समर्पित करेंगे तो आपको 40 शनिवार तक लगातार ये दोहराना है। 40 शनिवार तक जब आप लौंग को शंकर जी के शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित करते हैं, जिसके कुंडली में राहु केतु का दुष्प्रभाव होगा वह दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप देखेंगे उसकी विवाह
बहुत ही जल्दी हो जाएगी, अच्छे घर में उसकी विवाह हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको करना है। देखिए, आज के समय में अक्सर लोग परेशान हैं नौकरी के लेकर के, तो अगर आपके घर में भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है नौकरी की समस्या से, तो आपको यह उपाय एक बार जरूर आप यहाँ पर अपनाना चाहिए। अगर आप यह उपाय आजमाते हैं तो आपको यहाँ पर इसका लाभ जरूर मिलेगा। देखिए, नौकरी हासिल करने के लिए भी लौंग का टोटका जो उपाय होता है, जो तंत्र शास्त्र होता है, बहुत ही कारगर साबित होगा, अगर आप ध्यान से समझ कर ध्यान से इसे करते हैं तो। इसके लिए घर से, ध्यान रखना, जब भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलें तो निकलते समय अपने मुख में दो लौंग रख लें। ध्यान रखना कैसे करना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप किसी व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो आपको दो लौंग अपने मुख में लेना है। जब आप मुख में लेंगे तो आपको उसके बाद जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पर जैसे ही आप वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेना है और अपने पूर्वजों का नाम लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप अब प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश करने से पहले जो आपने अपने मुंह में दो लौंग लिया था, उस लौंग को आपको वहीं पर फेंक देना है। बस आपको इतना ही करना है, इतना आप करेंगे जहां पर भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू वहां पर अवश्य सफलता मिलेगी, अवश्य आपको नौकरी वहां पर मिल जाएगी। आपको एक बार यह उपाय अवश्य आजमाना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद करिए। देखिए, आज के समय में लोग हमेशा बीमार रहते हैं, आप लोग तरह तरह के दवाइयां करा करा कर थक गए हैं, तो आपको एक बार इस उपाय को आजमाना चाहिए। या फिर आपका कोई भी कार्य है, कार्य में बाधा आ रहा है, गृह कलेश यानी कि भाई भाई में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत से समस्याएँ आपके घर में आ रही, कितना भी बड़ी मुश्किल आपके घर में है, तो आप एक बार यह उपाय अवश्य आजमाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक बार इस उपाय को आजमाएंगे, जो भी समस्याएँ हैं सारी समस्याएँ यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, यानी कि निपट जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसे उपाय करना है ध्यान से समझिए। देखिए, शनिवार के, ध्यान रखना, शनिवार को आपको तेल का दीपक, ध्यान रखना, आपको यहाँ पर तेल का दीपक जलाना है शनिवार के समय। ठीक है, शनिवार के दिन आपको तेल का दीपक जलाना है, उसमें आपको 3 से 4 लौंग डाल देने हैं। जब आप दीपक जलाएंगे उसमें आपको 3 से 4 लौंग डाल देना है। उस दीपक को घर के सबसे अंधेरी वाली जगह पर रखना, जहाँ पर घर में सबसे अंधेरा होगा, आपको वहीं पर भी उस दीपक को ले जा करके वहाँ पर देना है। इस तरह आपके घर में सभी क्लेश और संकट, जो विपत्ति आ रही है, सारी विपत्ति टल जाएगी और घर में आपके सकारात्मकता ऊर्जा प्रभाव होगा, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी लोग बीमार हैं, जो भी आपके घर में परेशानी आ रही, जो भी बाधा आ रही है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी अगर आप ये उपाय करते हैं तो। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग ये उपाय करिए। देखिए, अगर आप अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आपके अगल बगल के जो लोग होते हैं वो आपसे जलना शुरू करते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे मैं आपको सबसे नीचे ढकेल दूँ, आप उतना पैसा ना कमा पाओ। तो अगर आपके भी कोई शत्रु हैं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लौंग के प्रयोग करना है। कैसे, देखिए, आपको उनसे बड़ी आसानी से छुटकारा आपको मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर मंगलवार या फिर शनिवार के दिन, कौन से दिन, मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 5 लौंग और कपूर के साथ प्रज्वलित करना है। जब यह कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाए, तो उसकी राख को आप अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे। ध्यान रखना, आपको जब यह कपूर और लौंग पूरी तरह से जल जाए, उसकी राख जो होगी उससे आप अपने मस्तक पर लगाकर तिलक लगाएंगे। जब यह आप करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपके शत्रु हैं उनसे आपको जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय ध्यान से समझिए, उसके बाद आप करिए। देखिए, धन प्राप्ति के लिए बहुत से आज के समय में लोग परेशान हैं, पैसे उसकी किल्लत है, यहाँ पर पैसे आते नहीं, लेकिन यहाँ पर पैसे उनका ऑटोमेटिक चले जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी धन की समस्या है, तो आप एक बार यह उपाय अवश्य अपनाइएगा। अगर आप यह उपाय अपनाते हैं तो आपको यहाँ पर लाभकारी साबित जरूर मिलेगा। देखिए, धन के प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन, ध्यान रखना, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय, जब भी आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजा करेंगे, तो उन्हें गुलाब के पुष्प, ध्यान रखना, गुलाब का जो फूल होता है वह फूल, साथ में आपको दो लौंग, जो लौंग होगा खंडित नहीं होना चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, उसे आपको यहाँ पर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है। जब आप समर्पित करेंगे, साथ ही साथ 5 लौंग की कलियाँ, ध्यान रखना,
पांच लौंग की कलियां और पांच कौड़ियां। ध्यान रखना, कौड़ी अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करिएगा, आपको कौड़ी पता चल जाएगा। तो आपको पांच लौंग की कलियां, पांच कौड़ियां एक कपड़े में बांध करके, ध्यान रखना कि यहाँ पर एक कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखना है। आप जहाँ पर भी पैसे रखते हैं आपको वहाँ पर रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आपके घर में बनी रहेगी। जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बनी रहेगी तो इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप पैसे को संभाल नहीं पाओगे। तो आपको एक बार यह उपाय अवश्य आजमाना चाहिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, अगला उपाय आपको कैसे करना है। देखिए, आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएँ हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएँ चल रही हैं, तो आपको एक बार यह उपाय अवश्य अपनाना चाहिए। देखिए, अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए, अपने कार्य में सफल होने के लिए मंगलवार के दिन, है ना, कौन से दिन, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करते समय सरसों के तेल में, ध्यान रखना किसमें, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो आप सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे, उसके बाद दीपक में आपको दो लौंग डालना है और जब दो लौंग वहां पर डालेंगे तो उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रखना आपको 21 मंगलवार तक यह उपाय करना है। कैसे करना है देखिए, मंगलवार के दिन आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, उसमें आपको दो लौंग डालना है, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 21 मंगलवार तक। अगर आप 21 मंगलवार तक यह उपाय करते हैं तो आपका जो भी मनोकामना है मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ आपके घर में जो आर्थिक समस्याएं हैं सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग यह उपाय करिएगा। देखिए, यदि आपके घर में पैसे लंबे समय तक नहीं टिक रहे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने आज 500 रुपये कमाए, वो 500 रुपये आज कमा के आप आए और तुरंत ही तुरंत आपका 500 रुपये खत्म हो गया, तो उसके लिए आपको यह उपाय एक बार जरूर आजमाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर किसी भी अमावस्या, ध्यान रखना अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन आपको कपूर और 21 लौंग से, ध्यान रखना कितना कपूर आपको और 21 लौंग से माता लक्ष्मी का हवन करना है। किस दिन, अमावस्या का दिन, पूर्णिमा के दिन, ध्यान रखना आपको हवन करना है। हवन करने के पश्चात माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको यहाँ पर माता लक्ष्मी से आप कहेंगे हवन करने के पश्चात आपको वहाँ पर माता लक्ष्मी अवश्य वहाँ पर आपको देंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो आपको हमने यहाँ पर लगभग सात या फिर आठ उपाय बताए हैं। सातों आठ उपाय बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान।